हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनम और आज हम बात करेंगे यूएस द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। इसकी अगर हम बात करें तो इस बार फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है किसको? लाहौर को। और यहाँ पे जो पर्टिकुलेट मैटर रेटिंग है वो है आपकी 423। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर रेटिंग क्या होती है और भारत ने क्या क्या उपाय किए हैं इस इंडेक्स में अपनी पोजीशन में सुधार लाने में। अब अगर जैसा मैंने आपसे कहा लाहौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सेकंड नंबर पे आपका न्यू दिल्ली है विद पर्टिकुलर मैटर रेटिंग 229, तीसरे स्थान पे काठमांडू है जो कि नेपाल की कैपिटल है और पर्टिकुलर मैटर रेटिंग यहाँ पे 178 है। आगे अगर हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, इसकी बात करें तो ये सम ऑफ ऑल सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होता है। हवा में जो पर्टिकुलेट मैटर होता है वो निलंबित सभी ठोस और तरल कणों का योग होता है जिसमें से कई खतरनाक भी होते हैं। इसके अलावा ये जटिल मिश्रण होता है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के कणों का जिसमें धूल, पराग, कालिक धुआं और तरल बूंदे शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके कण होते हैं इनका जो साइज होता है ये भी अलग अलग होता है। आगे अगर हम बात करें पार्टिकल पोल्यूशन की तो ये जो PM10 होता है ये क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं या जो कण होते हैं इनका जो व्यास होता है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इसके अलावा PM2.5 क्या होता है, इसके तहत जो पार्टिकल्स या जो कण होते हैं हवा में उनका जो व्यास होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना ज़्यादा सूक्ष्म होगा पीएम का आपका जो साइज उतना ज़्यादा ही वो हानिकारक होता है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो नोज़ होती है उसमें जो हेयर्स होते हैं उसमें सांस लेते समय ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये म्यूकस के साथ रुक जाते हैं और अंदर नहीं जाते हैं अगर पार्टिकल्स की जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। बट अगर ये 2.5 या 2.5 से कम होता है तो ये हमारे ब्रीदिंग के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंचता है और ये हमें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आगे अगर हम बात करें PM2.5 की तो ये किस तरह से हमें हमारी जो एयर है वहाँ पे पहुँचता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स होते हैं या जो पेट्रोलियम बेस्ड ईंधन होता है उनके जलने से प्रोड्यूस होता है या जो केमिकल रिएक्शन होता है जैसे कि गैसेस हैं हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके केमिकल रिएक्शन से होता है या जो इंडस्ट्रीज या जो कारखाने उनसे जो धुआं उत्पन्न होता है या जो धूल उत्पन्न होती है या जो रेजिडेंशियल वुड बर्निंग या घरों में जो हम लकड़ी जलाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लगती है या जो एग्रीकल्चरल बर्निंग है जिसे हम स्टेपल बर्निंग या पराली की को जलाने का प्रक्रिया भी कहते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं द्वारा PM2.5 आपका प्रोड्यूस होता है जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। आगे अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर आपका जो वैल्यू है वो 400 से 500 के बीच में है तो ये काफ़ी हानिकारक होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो लाहौर है उसकी वैल्यू कितनी है, 423 है, यानी ये इसे अगर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इसमें तो बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जिसके तहत इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर की जो रेटिंग है वो कितनी है, 400 से 500 के बीच में है। इसके अलावा अगर सीवियर कंडीशन होती है तो ये 300 से 400 के बीच में होता है जिसके तहत अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें या भारत की बात करें तो 229 है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि अनहेल्दी होता है तो उसके तहत आपकी जो ये रेटिंग होती है 200 से 300 के अंतर्गत होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया नेपाल। ठीक है, नेपाल की रैंकिंग 178 है पर्टिकुलेट मैटर रैंकिंग। आगे अगर हम बात करें तो ये पुअर होता है 101 से 200 के बीच में और आपका ये काफ़ी ये मॉडरेट होता है 51 से 100 के बीच में और आपका ये अच्छा होता है कब, जब ये वैल्यू 0 से 50 के बीच में होती है, यानी जो एयर होती है वो फ्रेश होती है ब्रीदिंग के लिए और क्लीन होती है और जो लोग होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का हेल्थ रिस्क नहीं होता है। आगे अगर हम बात करें तो व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, ये एक तरह का सूचकांक है जो कि दैनिक आधार पर हवा की गुणवत्ता की रिपोर्ट
करता है और ये मदद करता है ये मापने में कि वायु प्रदूषण पर्यावरण और उसके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को थोड़े समय के लिए कैसे प्रभावित करता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसे हम कैलकुलेट किस बिना पे करते हैं, तो इसके तहत 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स या जिन्हें हम प्रदूषक कहेंगे जिनकी जो मात्रा है उसके अनुसार हम ये इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आपका पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि अलग अलग स्रोतों से आपका हवा में आती हैं, और आपका पर्टिकुलेट मैटर जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका एयर पॉल्यूशन होगा, यानी उतना ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू होगी। आगे अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन की भारत में, तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है भारत जिससे जूझ रहा है, जिसके तहत दिल्ली में या जो हमारा नॉर्थ रीजन है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से प्रभावित है, जिसके तहत अभी आप देखते हैं कि आपकी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध आपका एक कैंपेन चलाया, फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम विश्व में की जो 30 कंट्रीज हैं सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं उनमें से आपका 21 जो है वो भारत में आती है, ऐसा 2019 के जो आंकड़े हैं उसके तहत बताया गया है। और आपका ये जो पॉल्यूशन है इसमें आपका जो 51% पॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, कारखानों से उत्पन्न होता है, 27% जो होता है व्हीकल से उत्पन्न होता है, और 17% होता है जो क्रॉप बर्निंग जिसे हम परारी जलाने की प्रक्रिया कहते हैं, और 5% हमारा फायरवर्क्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2200 करोड़ सैंक्शन किया है टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी मेजर्स, जो एयर क्वालिटी सूचकांक है उसको उसमें हमारी पोजीशन को बेहतर करने के लिए 2200 करोड़ प्रोवाइड किया है। और ये जो 2200 करोड़ है ये रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, हमारा जो 15वां वित्त कमीशन है जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, इनकी रिकमेंडेशंस के बाद हमने ये अमाउंट जारी किया है, हमारी भारत सरकार ने अमाउंट जारी किया, और ये अमाउंट रिलीज किया गया है फॉर स्टेट्स महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, एमपी, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। आगे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारत ने अडॉप्ट किया है हाल में फ्यूल एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गए। आप जानते हैं कि हम अभी तक फॉलो कर रहे थे भारत स्टेज 4 और हमने भारत स्टेज 5 को स्किप करके डायरेक्टली अपना लिया है भारत स्टेज 6 जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट हैं। इसके अलावा भारत ने आपका एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या, इससे ना सिर्फ भारत जूझ रहा है या इंडिया जूझ रहा है बल्कि ये एक तरह का ग्लोबल इशू है या वैश्विक समस्या है जिसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, पर हमें जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढना होगा। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, और आप हमें मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन माय ऑफिशियल चैनल मीनम सिंह ऑफिशियल। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।